बाटो बाटो है, नदी जैसा है, अभी गुस्सा में है, अभी शांत भी है। मिनिमम 5 आवर्स लगेगा क्योंकि रास्ता बहुत खराब है, फिर फॉग हो जाएगा, फॉग में बहुत प्रॉब्लम। तो टाटा पंच लॉन्च हो गई और इसके लॉन्च होने के बाद मैं भी अब इसका बहुत बड़ा फ़ैन बन चुका हूँ और इसका रीज़न मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। दरअसल जहाँ पर लैंड रोवर, जीप, फोर्ड ऐसी ऐसी गाड़ियों के 4-व्हील ड्राइव भी चढ़ नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से चढ़ पाते हैं, वैसी जगह पर आज टाटा पंच को चढ़ाया गया। यहाँ पे जब बारिश होता है वहाँ पे धूप खिला होता है। जहाँ के एंथुसियास्ट लोगों से अगर पूछा जाए तो वहाँ के लोग खुद कह रहे थे कि एक ऐसी गाड़ी जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव में हो, पेट्रोल में हो और एक ऐसे सेगमेंट्स की हो जो कि बहुत छोटी है, वो अगर ऐसी जगह पर चढ़ जाए तो हम मान जाएंगे। आई एम अ बिट वरीड एंड इट्स नॉट विदाउट रीजन दैट ओनली 4-व्हील ड्राइव व्हीकल्स विद लो रेंज कैपेबिलिटी प्लाई ऑन दिस रूट। इट्स इम्पॉसिबल। फ्यूल वाला गाड़ी जा नहीं पाएगा, जाएगा भी तो अटक जाएगा रास्ता। ऊपर तो बहुत खराब है, संदापुर का रास्ता तो वर्ल्ड में खराब होगा। नहीं हो सकता, ये फ्रंट व्हीलर के लिए अब नहीं बनाए ना ये रास्ता। नहीं हो सकता है। Okay. लेकिन फिर भी ये गाड़ी वैसी जगह पर चढ़ी, वो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, फिर भी वो ऐसी जगह पर चढ़ी जहाँ पर कोई कोई रोड 90 डिग्री तक हो जाती थी। आप वीडियो में इस जगह को देख सकते हैं, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि आप इस जगह पे अपनी गाड़ी को कभी नहीं चढ़ा सकते। 4-व्हील ड्राइव में भी अगर आप जाते हैं इस जगह पे तो भी आपको खुद डर लगेगा कि कहीं मैं इस गाड़ी को नीचे ना गिरा दूँ। लास्ट पॉइंट 0 पॉइंट में से तो ऊपर था, इसे रास्ता है, इसे सीधा ऐसे हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये गाड़ी चढ़ी टाटा पंच और इस वजह से मैं भी इसका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। वैसे 150 प्रोटोटाइप टाटा पंच को टेस्ट किया गया एकदम माइनस डिग्री से लेकर के अबव 50 डिग्री सेल्सियस तक, तब जाके ये गाड़ी ऐसी जगह के लिए पूरी तरह कैपेबल हुई, पूरी रफ़ रोड के लिए कैपेबल हुई। उसके बाद से ही इस गाड़ी को सबके सामने लाया गया। बहुत से लोग बोलते हैं कि SUVs को ही ऐसे टेस्ट किया जाता है, लेकिन टाटा को मानना पड़ेगा कि उसने अपनी एक छोटी SUV को भी इतनी मुश्किल से जगह में टेस्ट किया। थ्रू सम ऑफ द हार्शेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस स्ट्रेचिंग फ्रॉम द हॉट एंड एरिड एनवायरनमेंट्स ऑफ राजस्थान टू द हाई अल्टीट्यूड एंड एक्सट्रीमली कोल्ड एंड टफ टेरेन्स ऑफ लद्दाख फ्रॉम टेम्परेचर्स रेंजिंग फ्रॉम -10 डिग्रीज टू +50 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि वो ऐसे कैपेबल हो सके। और आज आप उसकी कैपेबिलिटी देख सकते हैं कि वो ऐसी जगह पे चढ़ी जहाँ पर कि 4-व्हील ड्राइव गाड़ियों का चलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बाकी अगर आप बात करें इस गाड़ी की, तो मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो एक कवर किया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं तो इस गाड़ी का बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ, आप हुए हैं कि नहीं ये बता सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी ये कारनामा जहाँ पर हुआ वो दार्जिलिंग की एक महिला ने किया था, जो कि एक प्रोफेशनल ड्राइवर भी हैं और उनका प्रोफेशन भी है ड्राइविंग करना। और ये सोनडाकू नाम का कोई हिल है जहाँ पर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो फोर्ड लैंड रोवर की गाड़ियाँ चढ़ी हुई हैं, वो भी इसके व्हील्स आप देख सकते हैं सिंपल व्हील्स नहीं है, ना ही ये गाड़ियाँ सिंपल है, बिल्कुल रफ़ गाड़ियाँ हैं, फिर भी ये ऊपर चढ़ी हुई हैं। लेकिन टाटा पंच ऐसी गाड़ी होने के बावजूद भी वो ऊपर चढ़ी, तो आप देख सकते हैं टाटा पंच की कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। बाकी अगर मैं आज इस गाड़ी की जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है, क्योंकि मैंने ऐसी गाड़ी कभी नहीं देखी इस रेंज में। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी फैमिली में भी ऐसी गाड़ी आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बने। बाकी आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।